उपराष्ट्रपति महोदय का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। गुरुजन का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, पर इतने गुरुजनों से साक्षात्कार, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना गौरवमयी है। श्री पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर, अ मैन ऑफ टैलेंट, डायरेक्शन एंड फोकस, आपके डीएनए में लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। हर काम को करने का जो सलीका और तरीका है वह अनुकरणीय है, सबको साथ लेकर चलते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस ग्रेट अकम्प्लिशमेंट एंड अफोर्डिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। श्रीमती दर्शना जोरदोस जी आ नहीं पाई, मेरी उनसे चर्चा कई बार हुई है। बहुत टैलेंटेड हैं, बड़ी कमिटेड हैं, विद पैशन एंड मिशन काम करती हैं। आई फील हर एब्सेंस, इट इज एज मच इम्पैक्टफुल एज हर प्रेजेंस। श्रीमती रचना शाह भारत सरकार के बड़ी अधिकारी हैं, मेरी तरह दायित्व भी उनको मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट उनसे जो इंटरेक्शन हुआ, आई नो यू विल हैव एक्सेलेंट ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसकी ओर संकेत माननीय मंत्री जी ने दिया है, दुनिया के पटल पर भारत को दिखाने का मौका, G20 की प्रेसिडेंटशिप और SCO की प्रेसिडेंटशिप, और ये ऐसे मौके पर आ रही है जब भारत के प्रधानमंत्री की बुलंद आवाज दुनिया सुन रहा है। पिछले गत दशकों से किसी भी नेता ने इतने प्रभावी रूप से नहीं कहा कि वार इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड द होल वर्ल्ड वॉज इन अटेंशन। जब ये आने वाले वर्ष में कार्यक्रम दो होंगे, प्रधानमंत्री जी का मानस साफ है, आप लोगों की प्रतिभा पूरी तरह से दिखेगी और दुनिया आपके प्रताप को महसूस करेगा। श्री शांत मनु जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स, ही हैज टू बी मैन इन एक्शन एंड ही इज मैन इन एक्शन। ही इज अ डायरेक्ट कनेक्ट अलोंग विद मुदिता जी, मिश्रा जी। इस पद की अहमियत मैंने तब महसूस की जब 33 साल पहले संसद सदस्य बना और मुझे एक मंत्रालय का आभार दिया गया। मुझे लगा कि मेरे कार्यालय में कुछ अलग होना चाहिए, नए आदमी का ये काम होता है। तो मैंने उस समय के तात्कालिक हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर को बुलाया और जब आकर मैंने मेरा दफ्तर देखा तो मैंने पूछा, मैं किसी और के दफ्तर में तो नहीं आ गया? दिस ऑफिस हैज द कैपेसिटी टू कैटलाइज कल्चरल चेंज पॉजिटिवली। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड टू प्रेजेंट, एंड दिस इज अ रेयर ओकेजन एंड ऑनर लाइफ टाइम। हर फोटोग्राफ को मैं रखूंगा, क्योंकि जो मैंने एग्जीबिशन देखा है, कुछ देरी हो गई, क्योंकि पहले आता मैंने माननीय मंत्री जी को कहा तो मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाता,
इस प्रकार के आर्ट इफेक्ट्स एग्जेम्प्लीफाइंग सच डेडिकेटेड टैलेंट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनर एस्पेक्ट्स, जो समय दिया वो समय कम था। मैंने इंस्ट्रक्ट किया मेरी टीम को, वो हर चीज की फोटो ले रहे थे, आप जरूर देखिए। फोकस योर अटेंशन ऑन ईच वर्क। जब कलकत्ते में राज्यपाल की हैसियत से मैंने एक इस प्रकार की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, तो मैंने विशेष आग्रह किया कि वो सब के सब आइटम्स राजभवन में भी रखें ताकि हम नज़दीकी से देख पाएं। और जूट से बने हुए एक कृति को जब मैंने देखा और पूछा कितना समय लगा, तो कहा कि 2.5 साल। और 2.5 साल में कोई चूक नहीं हुई। इनाम देते समय एक शिल्प गुरु से पूछा कितने समय लगा, समय ज्यादा बताया, मन करता है उस कृति को देखता ही रहूं। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फ्रक्टिफाइंग दिस इवेंट। कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए, 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज सेकंड डोज बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है, दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इतने बड़े संकट काल में लोगों के साधारण जीवन का ध्यान देना, 80 करोड़ से ज्यादा को 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक चावल, सीरियल, पल्स क्वालिटी का उपलब्ध कराना, और देश तो सोच नहीं सकते, भारत ने कर दिखाया है और वर्तमान में कर रहा है। यह कार्यक्रम एक शुभ संकेत देता है कि कोविड को हमने परास्त कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2017-18-19 में जो देना था उसमें देरी का यही कारण है। तो मैंने पूछा माननीय सचिव महोदय से कि मैडम डिले इज ऑल राइट, बट फाइनेंशियल बेनिफिट का इंटरेस्ट तो देना चाहिए था। और खास तौर से इसलिए देना चाहिए था, योर मिनिस्टर हैज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ मैन हु फोकसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मुझे कहा गया है कि इसका ध्यान तो हम रख चुके हैं। जो कुछ मैंने यहां देखा, रिप्रेजेंटेटिव भारत, जो कुछ मैंने यहां देखा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट, इससे ज्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। 1965 में शुरुआत की थी, पर उस शुरुआत के अंदर एक थोड़ी कमी रह गई थी। और कमी क्या थी? बिन गुरु होए न ज्ञान। अटल जी के राज में 2002 में इसकी शुरुआत हुई। मुझे महान संत कबीर का लिखा हुआ आता है तोहा याद, और आज भी प्रासंगिक है। और जब भी मैं खुद संकट में होता हूं, मैं उस दोहे को याद करता हूं। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं यहां उनको सबको आग्रह करना चाहूंगा
भारत सरकार के मंत्रालय ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपके गुरु उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। दीज गुरुज विल एवर मोटिवेट एंड इंस्पायर यू, जेनरेट पैशन एंड मिशन इन यू, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लुक एट रिफाइंड सटल क्राफ्ट्समैनशिप, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं, मजबूती से करते हैं। राजदूत बहुत अच्छा काम करते हैं, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम करता है। हाल के वर्षों में हर भारतीय का सर ऊंचा हो गया हमारी विदेश नीति को देखकर, हमारे विदेश मंत्रालय के बयानों को सुनकर। पर मैंने स्वयं महसूस किया है आपकी जो कृति है, आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। आई एम प्रिविलेज्ड टू इंडिकेट यू आर द मोस्ट फोर्सफुल इंपैक्टफुल एम्बेसडर्स ऑफ आवर कल्चर एंड क्रिएटिविटी। You indicate to the world the enormous innovation skills that India possesses. ये ऑनर आपका नहीं है, आपने इसको सिर्फ फिजिकली रिसीव किया है। You are honoring all of us. We feel proud कि we are availing an occasion to respect your talent, to pay tribute to your work. जो कुछ मैंने देखा है यह एक कालखंड का काम नहीं है, यह जेनरेशन टू जेनरेशन पास होने वाला हुनर है। मैंने एक से पूछा, क्योंकि उनकी कृति मैंने देखी, तो कहा कि मेरे शिष्यों की संख्या काफी है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस क्रिएटिविटी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स आर मोस्ट सॉट आफ्टर। ये जो इंटेलिजिबल हेरिटेज क्राफ्ट्समैनशिप की है, इसका इंपैक्ट मैंने दो यात्राओं में देखा। मेरी पहली विदेश यात्रा कंबोडिया थी। मैंने माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श किया कि गिफ्ट क्या हो। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर पीयूष गोयल कि उनका ध्यान अपने मंत्रालय पर गया। तो मैंने विदेश मंत्रालय को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम तो इनसे तालमेल कर ही रखते हैं। और उसी दिन उपराष्ट्रपति निवास में एक एग्जीबिशन लग गया, मैंने एक आइटम पिकअप किया to be given to the king of Cambodia. वो पिकअप करने के अंदर मेरी बुद्धि का उपयोग कितना भी हो, जो सामने मेरे दो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, सुजीतन राजेश नायक, वन फ्रॉम IAS, अनदर फ्रॉम IFS, उन्होंने किंग का बैकग्राउंड देखा और हमने एक जाली उनको प्रस्तुत की। यू कैन नॉट बिलीव, When I entered the palace of the king, sir, वो जाली लगा रखी थी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इसकी लकड़ी उस वृक्ष की है जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था।
और जितना बारीकी से मैंने उस जाली को देखा उससे ज्यादा किंग ने देखा। और फिर मुझे कहा कि मैं जो आपको दे रहा हूं दिखाया, एंड ही पेड ग्रेट कॉम्प्लीमेंट्स टू द आर्टिस्ट एंड टू द एंटायर कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट। ये मैंने देखा। जब मैं गया कतार के नेशनल म्यूजियम में, इट इज हाउस्ड इन अ न्यू कॉम्प्लेक्स। कतर के विजिट के अंदर ये महत्वपूर्ण अंग सब लोग मानते हैं। आई वॉज लुकिंग एट द आर्ट इफेक्ट्स। महाराजा गायकवाड खंडराव 18वीं शताब्दी बड़ौदा कारपेट वहां देखी, एंड दैट वॉज अ प्राइज्ड पोजेशन ऑफ दैट कतर म्यूजियम। एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, जहां बात आती है इकोनॉमी में एडिशन करने की, आई कैन टेल यू इससे ज्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन फैक्टर वाला और कोई काम नहीं है। जहां तक एम्पावरमेंट ऑफ वीमन की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है, इट इज यील्डिंग रिजल्ट्स। आई वुड से इट इज यील्डिंग ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स। जो लोग इनमें लगे हुए हैं, महिला शक्ति का योगदान ज्यादा है, सशक्त है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इट रिजल्ट्स इनटू देयर एम्पावरमेंट, देयर स्ट्रेंथ। इट इज इंडस्ट्री आई एम टोल्ड इज डोमिनेटेड, एंड ये डोमिनेशन ठीक रहता है, बाय द फीमेल जेंडर, बिकॉज इट एड्स टू क्वालिटी, रिचनेस एंड प्रोफाउंड रिजल्ट्स। एक और बड़ी खूबी इसकी है, हमारा जो डेवलपमेंट है, माननीय पीयूष जी इसको डिसेंट्रलाइज करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, कि हम मेट्रोज में ही कंसंट्रेट न कर टीयर वन टीयर टू सेमी अर्बन सेमी अर्बन रूरल जगह पहुंचे। मंत्री जी का फोकस जबरदस्त है इस सेक्टर के लिए, क्योंकि इस सेक्टर का जो ज्यादा प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है या सेमी अर्बन पृष्ठभूमि का है। और कोई भी काम कीजिए, कैपिटल इंटेंसिव होगा, ह्यूमन रिसोर्स का लिमिटेशन होगा, कल्चर का उसमें एंगल नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोडक्शन होगा। इस पर ध्यान दीजिए, क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, कैपिटल कम आएगी, दुनिया में नाम होगा, ख्याति मिलेगी और फॉरेन एक्सचेंज का अर्जन होगा। आज के जमाने में जब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज बीन अ प्रोफाउंड अकाउंटेंसी स्कॉलर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ट्रेनिंग। सर एनालिसिस करा लीजिए, जितना मैनीफोल्ड वैल्यू एडिशन आप लोग कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। लकड़ी का पीस, मेटल का पीस, कपड़े का पीस साधारण है, और आपके हाथों से निकलकर आपके हुनर जब उस पर स्टैंप लगाते हैं, इट बिकम्स अनबिलीवेबली ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी।
फ्रेंड्स व्हाट आई फेल्ट माइसेल्फ ड्यूरिंग माय टू फॉरेन विजिट्स इंटरेक्टिंग विद सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल माइंड्स इन द वर्ल्ड. एक फैक्ट रियलाइज हो गया है, इंडिया इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर. Rise of India is unstoppable and we are the most favored destination globally for investment and opportunity. जो कल्पना नहीं की वो हासिल हुआ है, इसमें आपका योगदान है. कुछ ही माह पहले surpassing our colonial masters, we became the fifth largest global economy in the world. जो सोच नहीं सकते थे पहले वो जमीनी हकीकत है. यह सब आपके प्रयासों से मुमकिन हुआ है, आपके सोच से मुमकिन हुआ है. एंड आई वेरी कॉन्फिडेंट ऑनरेबल मिनिस्टर हैज ऑलरेडी गोन ऑन रिकॉर्ड एज अदर्स हैव ऑल्सो गोन. बाय एंड ऑफ द डिकेड विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी on a global horizon. सरकार ने बहुत अफर्मेटिव स्टेप्स लिए. जब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था तो एक ग्रुप का गठन किया गया एंड वी वर 10 गवर्नर्स. आई वॉज हेडिंग दैट ग्रुप. वो था ईज ऑफ गवर्नेंस. मुझे दो चीज का बड़ा प्रभाव लगा उसमें. एक कि प्रधानमंत्री जी की सोच कि स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और दूसरा अलग अलग समूह बनाए थे. हर उस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाए जो आम आदमी की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकता है. अंडरलाइंग प्रिंसिपल था इवोल्यूशन ऑफ एन इकोसिस्टम दैट अलाउज एवरी ह्यूमन रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट हिज और हर टैलेंट टू द फुलेस्ट पोटेंशियल. हमने हमारी रिपोर्ट दी नीति आयोग से करकर बात. मुझे बहुत खुशी होती है सरकार इस पर बेखूबी काम कर रही है. एंड मिस्टर पीयूष गोयल ही इज नॉट ओनली टेक्सटाइल मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरे से इन्होंने चर्चा की जब मैं पहली बार उपराष्ट्रपति बना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, इन सब विभागों में मुझे ये देखने को मिल रहा है. और इससे क्या है, इन न्यू इंडिया इफ वी कैन हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग स्टेप्स और आपके संदर्भ में टू प्रिजर्व प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स, तो नतीजा साफ होगा. जो सब हम देख रहे हैं जो रोज हो रहा है होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एंड वी हैव एडेड इनोवेशन टू इट. Our craftsmen are partners in our progress. They are leaders in several areas. और जहां आपकी पहुंच है वहां सबकी पहुंच नहीं हो सकती. I will make an appeal to those who are in interior design industry, those who are looking for good values. बाहर सोचिए बट लुक एट अराउंड ऑल्सो, और आपको पता लगेगा कि जो आप दुनिया में नजर डाल रहे हैं द बेस्ट इज ओनली नेक्स्ट डोर एंड क्लोज बाय. दिस विल गिव ग्रेट इम्पेटस. एक छोटा सा एड आता है,
कि जब ठेली वाले से हम बात करते हैं तो हम करते हैं मोल भाव, वो कितना भी रीजनेबल हो वो पेट को मसकर मिनिमम मार्जिन के लिए काम करे, हम कहते हैं कुछ कम करो। और जो ब्रांडेड है वहां तो हम हिम्मत ही नहीं करते, समवन एल्स डिसाइड्स एंड वी फॉलो। वी विल हैव टू चेंज दिस साइक, लेट अस कमिट आवर सेल्स। जो बहुत बड़ा स्लोगन दिया है, इट्स नॉट अ सोशल स्लोगन, इट्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्लोगन, लोकल वोकल, ये मैंने देखा है। बंगाल के एक जिले में राज्यपाल की हैसियत से मैं गया, वो कुछ ला रहे थे, मैंने कहा कुछ मत लाइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आपका यहाँ कुछ लोकल है तो बताइए। उतनी अच्छी मिठाइयाँ मैंने कहीं नहीं खाई, वो जिले की दो लोकल मिठाइयाँ हैं। बट आई स्टिल रिमेंबर दी डिस्टिंग्विश्ड इनॉर्मसली टैलेंटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद IIT बैकग्राउंड, उन्होंने कहा आप हमारे लोकल आर्ट इफेक्ट्स लेकर जाइए, और बहुत अच्छे आर्ट इफेक्ट्स थे। यह सोच नीचे तक चला गया है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, क्लस्टर डेवलपमेंट जो हो रहा है, बहुत क्लस्टर्स बने हैं, जानकारी दी गई है, आई विल नॉट ट्रैवर्स दोज, उनकी जानकारी मेरे से ज़्यादा आपको है। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे ब्रिलियंट माइंड्स हु डोमिनेट एवरी ग्लोबल टॉप कॉरपोरेट एंटिटी, आप नजर फैला दीजिए, कोई विश्व का ऐसा वाणिज्य केंद्र नहीं है जहां भारतीय दिमाग श्रेष्ठ पर नहीं है। आई अवेल द अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट आवर थिंकिंग माइंड्स इन IITs, IIMs एंड एवरीवेयर एल्स, कि उनका ध्यान एग्रीकल्चर पर जा रहा है, उनका ध्यान सर्विस डिलीवरी पर जा रहा है, दे मस्ट ऑल्सो फोकस सिग्निफिकेंटली इन दिस एरिया, दे विल एड वैल्यू टू इट, और उसके दो काम तो साफ होंगे, यू विल गेट गुड ब्रांडिंग, एंड ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड यू विल गेट ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग मैकेनिज्म। आई एम श्योर दीज थिंग्स विल हैपन। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर इट इज फंक्शनल। सोशल सिक्योरिटी इज वेरी फंडामेंटल, क्योंकि जो लोग अपने हुनर से कमाते हैं उनके सामने मशीन चैलेंज होती है। टेक्सटाइल का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सो दैट देयर प्रोडक्टिविटी इज एट पीक, वी ऑप्टिमाइज इट, वी मेक देयर इकोनॉमिक लाइफ सिक्योर, देयर इज अ मैकेनिज्म विच आई एम श्योर इज ऑन वे हैपनिंग। सो आई एम श्योर विद हिज इनोवेटिव स्किल डिटर्मिनेशन एंड पैशन द ऑनरेबल मिनिस्टर विल एनहांस द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग, इफेक्टिव क्लस्टर वर्किंग एंड ब्रांडिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। I congratulate each awardee. The book that I have released, that book is unique. वरना क्या होता है कि ऐसे मौके पर जो किताब आती है उसमें सब कुछ आता है, पर वो मिस हो जाता है जो होना चाहिए। बुक का केंद्र आप लोग हो। मैंने पहला पेज खोला एंड दैट वॉज अबाउट द लास्ट अवार्डी, जिनको मैंने आखिर में इनाम दिया उनका पेज खोला। द बुक विल बी डिजिटली डिसेमिनेटेड, आई एम श्योर अबाउट इट।
गांधी जी के एक कोट के साथ मैं समापन करूंगा। कोट, द नोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू हैंडीक्राफ्ट राइजेस फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रूथ। एक एक शब्द का ध्यान दीजिए, गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट को शिक्षा से जोड़ा है। और क्या कहा है, कोट, द नोशन ऑफ एजुकेशन थ्रू हैंडीक्राफ्ट rises from the contemplation of truth and love permeating life's activities and court। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। It's a memorable day of my life। I have generated a lifelong connect which was already there but it will ever be there। और मैं यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री का फुट सोल्जर तो ही, क्योंकि मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा। आई विल एक्ट एज योर फुट सोल्जर, पर मैं कुछ को आह्वान करूंगा कि आप इन महान गुरुओं के एकलव्य बन जाइए, यदि अगर शिष्य बनने का मौका समय या दूरी की वजह से न मिल पाए तो। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी आपके उत्प्रेरक